नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूँ रश्मि गौरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर एक बार फिर से तंज कसा है। भूपेश बघेल ने रमन सिंह की तुलना भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से कर दी है। बघेल ने कहा है कि रमन सिंह भी आडवाणी और जोशी की तरह भाजपा से रिटायर हो गए हैं। कहने को तो रमन सिंह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रचार के लिए कहीं भी नहीं भेजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस में भूपेश बघेल का कद राष्ट्रीय नेता जैसा हो गया है, जिसके चलते राहुल गांधी बघेल को प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के साथ बिहार और मध्य प्रदेश ले जा चुके हैं। लेकिन बघेल के इस बयान से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे हमारी खास पेशकश रिटायर हुए रमन ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने के बाद नए जोश के साथ छत्तीसगढ़ लौटे भूपेश बघेल ने आते ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। दूसरी तरफ भाजपा के झंडा बरदार रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पार्टी में हाशिए पर भेजने को लेकर मोदी और शाह पर हमले होते आए हैं। अब रमन को उसी लिस्ट में शामिल बताकर भूपेश बघेल ने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है। यहाँ दो रोड शो हुए, एक नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा प्रियंका जी का। नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में पूरे देश भर के लोगों को इकट्ठा किया गया था और कल का जो रोड शो हुआ था वो वहीं के स्थानीय लोग थे और तुलना में बड़ी रैली रही, रोड शो रहा है। तो छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जैसे ही छत्तीसगढ़ लौटे, राजधानी पहुंचे और राजधानी में जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो वो बयान उन्होंने दिया है अब, जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि रमन सिंह की तुलना उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से कर दी है। बघेल ने कहा है कि रमन सिंह आडवाणी जोशी की तरह भाजपा से रिटायर हो गए हैं। कहने को तो रमन सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें प्रचार के लिए कहीं भी नहीं भेजा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो यहां पर उम्मीद से ज्यादा जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और इसी बेहद ही खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ बेहद ही खास पैनल मौजूद है। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ संपादक मनोज सिंह बघेल जी जुड़ गए हैं, जिनके साथ ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनोज जी, जिस तरह से भूपेश बघेल ने तंज कसा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर, इस तंज को किस तरह से देखते हैं आप कि उन्होंने सीधे सीधे आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की तुलना कर दी है? जी दोस्त, देखिए ये एक राजनीतिक बयान है और जरूर इसका आधार भी है, अपना आधार भी है, क्योंकि जिस तरह से सोचा जा रहा था कि स्टार प्रचारक की श्रेणी में तो थे डॉक्टर रमन सिंह जो पूर्व मंत्री थे, 15 साल तक लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया था और इस आधार पर ये माना जा रहा था कि उनका सही उपयोग भाजपा इस चुनाव में करेगी। छत्तीसगढ़ में तो निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में डॉक्टर रमन सिंह को भेजा गया था और हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था और उसके बाद भी उनको जब भाजपा की सरकार गई छत्तीसगढ़ में उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया और उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव के जो 11 लोकसभा सीटें थी और शुरू के 3 चरण में जो चुनाव हुए उनमें डॉक्टर रमन सिंह ने काफ़ी मेहनत किया, उनको स्टार प्रचारक की तरह यूज किया गया, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि जो बचे हुए जो लोकसभा चुनाव के चरण थे उनमें उनका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ। बीच में जरूर ऐसा हुआ था कि दिल्ली में करीब एक हफ्ते तक वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ज़्यादातर इसके अलावा दिल्ली के कुछ लोकसभा क्षेत्रों में उनकी छोटी छोटी सभाएं भी हुई थी,
इसके अलावा पार्टी कार्यालय में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके आयोजित किए गए थे, लेकिन जिस तरह से एक तुलनात्मक रूप से देखें कि जिस तरह वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिस तरह से कांग्रेस ने यूज किया, यूपी में उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की, रायबरेली में, अमेठी में और भी तीन चार अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में, इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल में उनको यूज किया गया, इंदौर में और दूसरी जगहों पर, बिहार भी वो गए रैली करने, तो तुलनात्मक रूप से देखें तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जो है वो ज्यादा एक्टिव नजर आए बनिस्पत डॉक्टर रमन सिंह के, जबकि डॉक्टर रमन सिंह बहुत पुराने नेता हैं, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 15 साल तक भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से देखें तो उनके दौरे भूपेश बघेल की तुलना में कम हुए, और यही वजह है कि एक लंबी यात्रा के बाद, लगातार दूसरे राज्यों के दौरे के बाद आज जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटे तो उनके लिए एक अच्छा मौका था डॉक्टर रमन सिंह पर तंज कसने का, और यही उन्होंने किया है जी। इस वजह से अगर बघेल जी हम बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, तो अगर हम बात करते हैं तो इसको किस तरह से देखा जाता है कि रमन सिंह मतलब दिल्ली में जो भी केंद्रीय नेतृत्व में जो भी मीटिंग्स होंगी बस उसमें आएंगे, वो मीटिंग्स अटेंड करेंगे और फिर पुनः वापस छत्तीसगढ़ प्रस्थान करेंगे, जब तक केंद्र में कुछ नहीं होगा, कोई मीटिंग नहीं होगी तब तक रमन सिंह का भी कोई काम नहीं नजर आएगा, उनकी उपयोगिता भी समझ में नहीं आएगी तब तक? देखिए, इसमें ये देखना होगा कि जो तीन राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तीनों जगहों पर लंबे राजस्थान की बात छोड़ दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार 15-15 साल से भाजपा की सरकार थी, और राजस्थान में तो ट्रेंड है कि 5-5 साल में वहां पर बदलता ही रहता है शासन, तो ये देखा गया कि तीन जो मुख्यमंत्री जो भाजपा के थे तीनों की हार हुई थी, तीनों बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह, लेकिन इन तीनों की तुलना करें तो ये समझ में आता है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान वो लगातार एक्टिव रहे, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी उनकी कई सभाएं हुई, दूसरे राज्यों में भी सभाएं हुई, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह को तुलनात्मक रूप से देखें तो उतना ज्यादा सक्रिय वो नजर नहीं आए, या जो आलाकमान या पार्टी नेतृत्व ने जो उनको जिम्मेदारी दी थी वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की तुलना में कमजोर थी। इसका कारण ये हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के परिणामों से इसको जोड़कर देखा जाए यदि, तो भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में था, तो हो सकता है इस कारण से उनको उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ना मिल पाई हो, लेकिन ये जरूर है कि चुनाव के बाद इन तीनों ही नेताओं के अनुभव को देखते हुए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संगठन में इनको दी गई थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर तीनों को बिठाया गया था और तीनों को कहा गया था कि लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से आप एक्टिवेट हो जाएं, और जिस तरह से 15 साल आप लोगों ने शासन किया है उसके बाद से जो भी चूक रही हो उसको सुधारें। मनोज जी, पूछना चाहूंगी आपको, क्योंकि डिबेट को ज्वाइन कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन गौरीशंकर शिवास जी ने। गौरीशंकर शिवास जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल मेरा ये है आपसे कि वाकई में जो बयान, जो तंज यहाँ पे कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कसा है, वो तंज भी कहीं ना कहीं सही समझ में आ रहा है? इस सवाल का मैं आंसर आपसे लूंगी, बहरहाल वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद इसी सवाल का आपसे मैं जवाब लूंगी, रुक रहे ब्रेक के लिए। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। आशीर्वाद के रूप में इससे सुंदर और प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो ये कहूंगी कि आपकी हर पीढ़ी विश्वास कर सकती है इन पर। अनुपचंद तिलकचंद ज्वेलर्स, एटी, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। हेलो पापा, कल मॉर्निंग में माँ और हम पहुँच जाएंगे। जी
माँ ये लो ट्रेन की टिकट, हमें आज शाम ही घर के लिए निकलना है। आखिर हुआ क्या है बेटी, किसी ने कुछ कहा? नहीं नानी, टेंशन की कोई बात नहीं है। माँ और मुझे वोट डालने जाना है और बस वोट डालकर दो दिन बाद वापस आ जाएंगे। वैसे भी इतनी लंबी छुट्टियाँ बची है बिताने के लिए। क्यों मम्मी, क्या बात है, हमारी बेटी तो बड़ी समझदार हो गई है और जिम्मेदार भी। याद रहे इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। आतंकवाद को घर में घुसकर किसने मारा? आपके एक वोट ने मारा है, आपके वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है जो आतंकवाद को घर में घुस करके मारता है। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश रिटायर हुए रमन में। ब्रेक पर जाने से पहले गौरीशंकर श्रीवास जी से सवाल पूछा था कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने तंज कसा है, क्यों ना इस तंज जो तंज कसा है उस पर फिर भारतीय जनता पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हाशिए पर यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह रख दिए गए हैं, इसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से पार्टी में मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को पूरी पार्टी ने हाशिए पर रख दिया था, गौरीशंकर श्रीवास जी। देखिए नई नई जो दौलत होती है वो ज्यादा खनकती है गौरी जी। भूपेश बघेल जी नए नए मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा जनादेश मिला है, इस प्रकार की बात वो कह सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि 15 साल तक जनता ने सिरमौर बनाकर डॉक्टर साहब को रखा है और भारतीय जनता पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, सामूहिक नेतृत्व होता है, माँ बेटे की बाप बेटे की पार्टी नहीं है। डॉक्टर साहब का इतना बड़ा हो रहा है किसी छुपा नहीं है, आज भी प्रदेश में उनका क्या जनाधार है, कितना बड़ा उनका कद है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, क्या भूपेश बघेल जी इस बात को कहने के उसमें है बखत में कि देश का चुनाव राहुल गांधी जी के नाम से लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी को क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बता देते हो? भूपेश बघेल जी इस चुनाव को मोदी बनाम भूपेश करने के लिए आतुर थे, करने का प्रयास भी क्या विफल रहे? इस चुनाव को राहुल बनाम मोदी करने की चेष्टा क्यों नहीं किया वो? मतलब साहब उनको अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है। और डॉक्टर साहब की जहाँ तक सवाल है तो हर प्रदेश में हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं। तो क्या आप मान रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह का कद इतना बड़ा नहीं था? आप मान रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह का कद इतना बड़ा नहीं है कि उनको लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अन्य प्रदेशों में भेजा जाता, ये आप मान रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से करारी हार भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, उतनी करारी हार, क्योंकि अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं करीब थी, और राजस्थान में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करीब थी, छत्तीसगढ़ में क्योंकि वो क्योंकि पूरी जिम्मेदारी। आप जो कहना चाह रही मैं समझ गया उसको। देखिए डॉक्टर संगठन तय करता है कि कौन व्यक्ति कहाँ प्रचार के लिए जाएगा। डॉक्टर साहब को उत्तर प्रदेश में बुलाया गया, गोरखपुर वहाँ गए, दिल्ली में बुलाया गया, दिल्ली गए, पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्टार प्रचारक मनमोहन सिंह जी थे, उनकी कितनी सभा हुई है किसी कांग्रेसी से पूछ लीजिए आप, आपको मालूम है। आज भी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक मनमोहन सिंह जी हैं, कितनी उनकी सभाएं हो रही है, कितना उनको सम्मान मिल रहा है, ये जगह जाहिर है। हमारे नेताओं की बात हो रही है, अडवाणी जी तक, मुरली मनोहर जोशी जी तक पहुंच गए वो। अपने पूर्व के नेताओं की क्या दुर्गति कांग्रेस पार्टी ने की है, इस बात का भी जवाब अपनी पार्टी को देना चाहिए। चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे नरसिम्हा राव जी हो, तो देखिए हमको गौरी जी एक मिनट, जब एक आईना ऐसे दिखाते हैं हमको कांग्रेस पार्टी वाले, उस आईने को अगर थोड़ा पलट कर देख ले तो इतना बदसूरत चेहरा दिखता है कि कहने को स्थिति में कुछ नहीं रहेगा। पर दिक्कत यह कि सिर्फ एक तरफा आईना दिखाते हैं, उस आईने को अगर पलट के अगर देख लेते हैं तो इस प्रकार का बयान नहीं आता। हमारी पार्टी में एक से एक स्टार प्रचारक है, उत्तर प्रदेश में योगी जी अपने आप में स्टार प्रचारक है, शिवराज सिंह चौहान जी का जिक्र कर रहे हो, संपादक साहब शिवराज सिंह जी का अपना हो रहा है, और रहा सवाल शिवराज सिंह जी के ज्यादा सभा ज्यादा दौरा का, जैसा कि बता रहे थे, तो ये मध्य प्रदेश का जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है, राजस्थान हो मध्य प्रदेश हो, ऐसे जो राज्य है मध्य प्रदेश के बहुत सीमावर्ती आते हैं,
तो वहाँ वहाँ उनकी डिमांड भी वहाँ संगठन को तय करता है। मतलब शिवाज जी, आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उसी जवाब में, शिवाज जी आप जिस तरह से जवाब दे रहे हो उसी जवाब में आप ही एक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का एक अलग हो रहा है, और क्योंकि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है इसलिए उनकी डिमांड थी। आप मान रहे हैं कि भाई जो फाइट यहाँ पे नेक टू नेक फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी उतनी करारी हार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुई, इसलिए शिवराज सिंह चौहान का ऑरा बड़ा है, और छत्तीसगढ़ में जो करारी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई है ऑरा घटा है, और कहीं उस हार का खामियाजा अन्य प्रदेशों में ना दिखे, इस वजह से डॉक्टर रमन सिंह को उस तरह से स्टार प्रचारक की सूची में, स्टार प्रचारक की सूची में है लेकिन उतने उनसे प्रचार नहीं करवाए गए जिसका खामियाजा इन प्रदेशों में देखने को मिलता। आपके ही आप जो जवाब दे रहे थे उससे ही ये सवाल खड़ा हुआ है। नहीं, मैंने किसी का कंपैरिजन नहीं किया, पहली बात। आप इस बात को गलत तरीके से विश्लेषण कर रही हैं। आप आरोप लगा, मैंने डॉक्टर साहब का शिवराज सिंह चौहान जी का कोई नहीं, मैंने कहा उनका अपना हो रहा है, उनका अपना हो रहा है, डॉक्टर साहब का अपना हो रहा है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश तालुकात रखते हैं। मध्य प्रदेश में सीटें कितनी है इसको देखिए आप, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं उसको देखिए आप, तो सारी चीजों का कंपैरिजन होना करना पड़ेगा अगर बिहार में जाते हैं तो। बात यह है कि पार्टी तय करती है और कोई हार और जीत, कम सीट ज्यादा सीट को तय नहीं होता। हम तो वो लोग हैं जो एक सीट से सरकार अपनी गवाए हैं, उससे फिर वापसी की है, तो भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष हमारे रगों में लहू बनकर दौड़ता है, इसलिए कोई विचलित होने की विषय नहीं है। कोई व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति कोई चुनाव प्रचार में जाता है तो पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं जाता, वो पार्टी का कार्यकर्ता बनकर जाता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इस कार्यकर्ता ने इस पार्टी को सींचा है, इसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आज खड़ी हुई है। हार जीत का विषय नहीं होता, आज हारे कल जीत जाएंगे, दो सांसद यहाँ तक का सफर हमने तय किया है। तो ये कोई कंपैरिजन करना कि आज मुख्यमंत्री बन गया तो मेरा कद बड़ा हो गया, वो हार गया तो उनका कद छोटा हो गया, यही राजनीति का स्तर दिखाता है, यही उस पार्टी के संस्कार को प्रदर्शित करते हैं कि जब नई नई दौलत मिलती है तो किस तरह खनकती ज्यादा है, यही एक बयान से प्रदर्शित हो रहा है। अच्छा गौरी शंकर जी, आप कह रहे हैं नई नई दौलत मिलती है तो उससे इस बात मतलब तमाम चीजें प्रदर्शित होती हैं, आप इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन गौरी शंकर जी क्यों ना सवाल किया जाए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, कार्यकर्ता ही होता है, लेकिन जितनी उपयोगिता डॉक्टर रमन सिंह की होनी चाहिए थी आप लोग यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बना दिया गया, मतलब केंद्र में जितने भी कार्यक्रम होंगे जब मीटिंग होगी तभी उनकी सक्रियता दिखेगी, अदरवाइज जब तक कुछ नहीं होगा केंद्र से बुलावा नहीं आएगा तब तक वो लूप लाइन में रहेंगे। हो सकता है आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद लूप लाइन का लगता हो, महासचिव हमारे लिए ये मायने नहीं है, डॉक्टर साहब का अपना कद है, प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, बात नंबर एक। दूसरी बात, आप उपयोगिता की बात किए हैं, तो ये चुनाव हमारे पास स्पष्ट एजेंडा, स्पष्ट नेता, स्पष्ट नियत के साथ हम लड़ रहे हैं, हमारे पास तो इतना बड़ा कद है नरेंद्र मोदी जी का कि फिर कोई बात ही नहीं रह जाती। मतलब आप नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हमारी पार्टी के बड़े नेता है, प्रदेश के बड़े नेता डॉक्टर साहब है, आप मान रहे हैं कि क्षेत्रीय नेताओं की कोई उपयोगिता नहीं है, जहाँ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए शायद मुरली मनोहर जोशी को भी लूप लाइन में डाल दिया, लालकृष्ण आडवाणी को भी हाशिए पर रख दिया, अब उसी कगार पे अब डॉक्टर रमन सिंह भी आ गए हैं। ये संगठन तय करता है, ये संगठन तय करता है कि किस व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता है, ये मीडिया थोड़ी तय करेगा किस व्यक्ति को किस राज्य में जाना है, ये संगठन तय करता है कि किस व्यक्ति की कहाँ उपयोगिता है, मीडिया क्या प्रभाव पड़ेगा, संगठन का काम है। तो जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है, संगठन ने तय किया डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश भेजना चाहिए, वहाँ उनके समाज के बहुत लोग हैं, दिल्ली भेजना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। अब आप बोलेंगे विधानसभा में इतना दौरा, तो लोकसभा चुनाव का प्रारूप काफी अलग था, ठीक है, लोकसभा चुनाव हमने नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर नेतृत्व में लड़ा है, तो निश्चित तौर पर उससे बड़ा कोई चेहरा ही था हमारे पास, बाकी जिन नेताओं की जहाँ जो उपयोगिता लगी वहाँ उनको भेजा गया। अब इसको भूपेश बघेल जी अपने कद से और डॉक्टर साहब के कद से अगर कंपैरिजन करेंगे तो मैं कहता हूँ कि फिर इससे बड़ी हास्यास्पद पर बात कुछ नहीं हो सकती है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मीडिया ये तय नहीं करेगा कि किसकी उपयोगिता कहाँ पर है, लेकिन मीडिया जिसको दिखाता है और जिसकी वेव बताता है उस पर आप लोग अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन मीडिया आपको ये नहीं बता सकता कि कहाँ क्या है, खैर वो आपका लुकआउट है। बघेल जी आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगी इस पूरे प्रकरण पर। आ, आ,
देखिए रश्क, इन्होंने जो बातें कही कि मीडिया तय नहीं करता, ये बिल्कुल सही उनका कहना है, लेकिन मीडिया हर चीज का विश्लेषण करने का उसको अधिकार है, और जो जो इसको लेकर जो कयास लगाए जाते हैं उन सब कयासों को अध्ययन करने का, उसका विश्लेषण करने का उसका विशेषाधिकार। इसी के तहत हम आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा क्यों कहा, और जाहिर तौर पर एक मौका निश्चित तौर पर मिला है, तुलनात्मक रूप से देखें तो बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से हम खुद उम्मीद कर रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद दूसरे राज्यों में उनका प्रभावी ढंग से उपयोग होगा, और शुरू में यहाँ के चुनाव के बाद ये एक विज्ञप्ति भी भाजपा कार्यालय से आई थी कि वो आगामी एक हफ्ते तक नई दिल्ली में रहेंगे और वहाँ पर पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा सुनने में नहीं आया कि कोई बड़ी सभाएं उन्होंने ली। ये जरूर कुछ खबरें आई कि जो भाजपा का राष्ट्रीय मुख्यालय है वहां पर उन्होंने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, कुछ विषयों पर उनके बयान राष्ट्रीय मीडिया ने लिया और इस तरह का। तो कुल मिलाकर देखने में ये लगा कि 23 अप्रैल के बाद जब से छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद कोई मेजर रोल में नजर नहीं आया। वहीं दूसरी ओर जो शिवराज सिंह है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो तो खैर है ही हैं कि मोदी है, अमित शाह है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, इनके लगातार दौरे हुए, इवन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनके दौरे हुए, तो तुलनात्मक रूप से देखें तो जरूर थोड़ा सा, क्योंकि रमन सिंह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा उनका कद है, 15 साल मुख्यमंत्री थे एक समय, 2014 में ये भी सामने, जितने भाजपा शासित राज्यों के जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से तमाम बातों को देखने पे जरूर ये प्रश्न, जिस प्रश्न पर आज हम डिबेट कर रहे हैं वो प्रश्न जरूर उठता है, लेकिन गौरी शंकर श्रीवास जो हैं वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको इस बात को डिफेंड करना है, कि जिस तरह से भले डॉक्टर रमन सिंह की उपयोगिता इस पूरे चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं देखने को मिली, हो सकता है गौरी शंकर श्रीवास जी आपको हमेशा मेरा सवाल पूछना थोड़ा सा खलता है, लेकिन फिर भी हो सकता है 23 मई के बाद एक बड़ा सिनेरियो बदले और शायद उनको मंत्रिमंडल में, अगर आप ही की पार्टी की सरकार बनती है तो उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, लेकिन सवालों से घबराइए नहीं, थोड़ा सवालों का जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए बघेल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के बाद छत्तीसगढ़ लौटने पर भूपेश बघेल ने सीधे सीधे रमन सिंह को आड़े हाथों लिया, अब उनके तंज के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति अपने चरम पर है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।